हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टेक मित्र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब के लिए एक प्रोफेशनल बैनर HD बैनर किस तरीके से तैयार करते हैं। गाइस, क्या होता है कि जब नया नया हम चैनल स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो चैनल का इफेक्ट है आपके लोगो और आपका जो बैनर है उससे बहुत पड़ता है। लोग जब देखते हैं आपके बैनर को, आपके चैनल को, तो उनको ये चीज़ दिखनी चाहिए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो और किस टॉपिक से रिलेटेड आपका चैनल है। सो गाइस, आज की ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बिकॉज मैं इस वीडियो के अंदर पिक्सल लैब एप्लीकेशन का यूज़ करके इतना अच्छा आपको बैनर बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पर बैनर बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूं। और गाइस, अब हम चलते हैं अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन के ऊपर और मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से एक HD और प्रोफेशनल चैनल का बैनर बनाया जाता है। सो चलिए गाइस, हम चलते हैं अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन के ऊपर। ओके, तो मैंने यहाँ से पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन कर ली। और गाइस, जो भी फ़ोटोज़, जो भी PNG मैं इस चैनल बैनर को तैयार करने के लिए यूज़ करूँगा, उन सभी फ़ोटोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप बड़ी ही आसानी से उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। सो सबसे पहले गाइस, आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ से आपको एक साइज सेलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल बैनर, तो आपको इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद गाइस, आपको एक फ़ोटो ऐड करनी है। तो चलिए मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। वो फ़ोटो इसलिए ऐड करनी है ताकि आपका जो बैनर है वो काफ़ी अच्छे से बने और आपके फ़ोन पे काफ़ी अच्छा दिखे, कहीं से भी कटे ना। सो चलिए, मैं ये वाली फ़ोटो यहाँ पर सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ। तो इस फ़ोटो को मैंने ऐड कर लिया और इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, तो मैंने इसकी साइज फुल कर दी। एंड इसके बाद गाइस, इस फ़ोटो का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब गाइस, क्या करना है कि जो फ़ोटो मैंने ऐड करी है, थोड़ा सा इसको साइज में बढ़ा लेना है साइज इसकी। एंड इसके बाद गाइस, ये जो फ़ोटो आपको दिख रही है, इस फ़ोटो के अंदर जहाँ जहाँ आपको ब्लैक दिख रहा है जितने में सेंटर में, उतने के अंदर ही आपको अपना बैनर तैयार करना ताकि आपके फ़ोन में अच्छे से दिख सके, कहीं से भी कटे ना। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक अच्छा सा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए, मैं बैकग्राउंड के लिए एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूं। तो मैंने यहां पर बैकग्राउंड के लिए ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसको थोड़ा सा आपको रिसाइज करना पड़ेगा, यहां पे अच्छे से सेट करना पड़ेगा। तो जस्ट मैं इसे सेट कर लेता हूं एंड इसके बाद आपको बताता हूँ मैं। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे सेट कर लिया। एंड सेट कर लेने के बाद, और यहाँ पर गाइस आपको टेक्स्ट डालना है, जो भी आपके चैनल का नाम हो यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे जाऊँगा एंड टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ से मैं अपने चैनल का नाम ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने टेक एंड मित्र तो मैंने यहाँ से अपना चैनल का नाम ऐड कर लिया। और इसका जो फॉन्ट है उसको मैं पहले सेलेक्ट करके चेंज करता हूँ। तो फॉन्ट के लिए गाइस, यहाँ से आपको अपने फॉन्ट में आना है। एंड फॉन्ट आप यहाँ पे आपको जो अच्छा लगे वो फॉन्ट आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फॉन्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। एंड इसके बाद इसको यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ एंड थोड़ी सी इसकी जो शैडो हो उसको मैं दे देता हूँ ताकि ये अच्छे लुक में दिखे। तो मैंने यहाँ पे शैडो सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे शैडो मैंने दे दी टेक्स्ट को। आप भी अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। एंड इसके बाद गाइस, आपको अपने चैनल का बैनर, आपको अपने चैनल का लोगो यहाँ पर ऐड करना है। तो चलिए, मैं अपने चैनल का लोगो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का जो लोगो हो इसको ऐड कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरे चैनल का लोगो, और इस लोगो को थोड़ा सा मैं रिसाइज करता हूँ ताकि अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने अपना लोगो सेट कर लिया। थोड़ा सा इसमें मैं शैडो दे देता हूँ वाइट कलर की, ताकि थोड़ा सा और भी अट्रैक्टिव लगे। एंड इसके बाद गाइस, मैं एक और फ़ोटो यहाँ पर ऐड करूँगा PNG, जो कि मैंने पहले से ही इरेज करके रख रखी है।
इन सभी PNGs का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वाली मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड इसको थोड़ा सा मैं रिसाइज कर लूँगा ताकि थोड़ा सा बेहतर लुक दे, एंड यहाँ पर मैं इसको फिक्स कर दूँगा। एंड इसके बाद गाइस आप अपने चाहे तो फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। तो मैं अपने हिसाब से एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ। तो ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर इसको भी रिसाइज करूँगा एंड इसको यहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो रिसाइज करने के बाद मैंने ये जो फ़ोटो है गाइस इसको थोड़ा सा आपको अच्छे सेट करना है ताकि यहाँ से कोई भी चीज़ कटे ना। तो फ़ोटो को यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपनी फ़ोटो को ऐड कर ली है, और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कि ये जो बैनर बना है ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आप भी अपने हिसाब से इस तरीके का बैनर अपने फ़ोन के ऊपर तैयार कर सकते हो पिक्सल लैब एप्लीकेशन की मदद से। सो गाइस इतना काम हो गया, अब हम इसको करते हैं सेट कि किस तरीके से हम अपने चैनल के ऊपर इसको अपलोड करेंगे, कैसे ये अपने चैनल के ऊपर अच्छे से फिक्स सेट हो जाएगा। सो सबसे पहले आपको इसको सेव कर लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर सेव कर लिया इसको। एंड सेव करने के बाद अगला स्टेप आता है कि हम इसको किस तरीके से अपने चैनल के ऊपर सेट करें ताकि अच्छे से ये दिखे, कुछ भी कटे ना इधर उधर। गाइस यहाँ पे जो साइज़ दिख रही है ये साइज़ इतनी साइज़ जो है ये मोबाइल के लिए है, बाकी का ये जो है डेस्कटॉप और टीवी के लिए है। तो आपको यहाँ पे मोबाइल के हिसाब से सेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया। एंड इसके बाद गाइस अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ से हमें अपना जो बैनर है उसे सेट करना है। तो इसके लिए गाइस मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा, और इसके बाद गाइस आपको अपने चैनल के लोगो पे यहाँ पे जो साइड में दिख रहा है इसको क्लिक कर देना है। एंड जो आपको ब्राउज़र है इसको आपको डेस्कटॉप मोड में कर देना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको डेस्कटॉप मोड में कर रखा है। एंड इसके बाद मैंने अपने चैनल के लोगो के ऊपर क्लिक कर दिया। एंड दोस्तों इसके बाद आपको योर चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप योर चैनल के ऊपर क्लिक करोगे तो गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। एंड इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर कस्टमाइज चैनल के ऊपर जाओगे तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो मेरा बैनर है वो दिख रहा है, और इसके ऊपर हम बैनर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइड में एक आइकन दिख रहा है जिसके ऊपर आप अपना जो चैनल आर्ट है उसको लगा सकते हो। तो चलिए हमने इसको क्लिक कर दिया एंड थोड़ा सा वेट करते हैं। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सेलेक्ट फ़ोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर से क्लिक कर देना है यहाँ पे आपको। एंड क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है। एंड इसके बाद गाइस आप उस बैनर को जहाँ भी सेव किए हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद यहाँ पर ला के सेट कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया। एंड इसके बाद ये थोड़ा सा अपलोड हो रहा है, और ये अपलोड हो चुका है गाइस, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं तब तक। अब यहाँ पर गाइस अपलोड होने के बाद ये जो मेरा बैनर है ये यहाँ पर लग चुका है गाइस, ये देख सकते हो आप इस तरीके से कुछ मोबाइल में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। सो गाइस आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो फ़ोटो है जो साइज वाली PNG है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर लेना। और इसमें जितना भी ब्लैक कलर का यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ब्लैक, जितना ब्लैक है इसमें सेंटर में इतने में ही आपको अपना बैनर तैयार करना है। एंड इसके बाद गाइस जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड इसके बाद मेरा जो बैनर है वो सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक नहीं करूँगा बिकॉज मैंने पहले ही अपना बैनर यहाँ पर सेट करके रखा है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।